केरल में खतनी को अनानास के साथ विस्फोटक खिला देने की घटना झारखंड के लिए भी चेतावनी है। मानव के साथ टकराव की संभावनाओं को कमतर किया जाए ताकि प्राकृतिक संतुलन बरकरार रहे। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ लगातार आबादी के साथ इनका टकराव बढ़ रहा है। लेकिन झारखंड के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग पशु प्रेमी हैं। हालात जो भी हो, लेकिन केरल जैसी घटना आज तक झारखंड में नहीं हुई है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ झारखंड में जिसके बाद से हर लोग झारखंड के इस गांव के लोगों की तारीफ करने के लिए आ गए हैं। बता दें कि रांची के अनगढ़ा से सटे जंगल हरियाग्राम में गंभीर रूप से घायल एक हाथी का इलाज कराने का प्रयास किया गया। रिग्राम जंगल महिलोंग रेंज के लोटा के पास है। उक्त हाथी के आगे के बाएं पैर में गहरा जख्म आ गया था। चलने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी, लगातार करा रहा है। दो दिन पूर्व समूह से अलग होकर यह हाथी रियाग्राम जंगल में रह गया। जख्म के जलन को कम करने के लिए लगातार वन विभाग द्वारा जंगल के बीच में बनाए गए चेक डैम में ही रहा। ग्रामीण और वन विभाग के द्वारा काफ़ी मात्रा में कद्दू कोहरा सहित कई अन्य सब्जी खरीद कर ले जाया गया। इसमें दवा भरकर इसे हाथी को खाने के लिए दिया जाता ताकि भोजन के माध्यम से दवा हाथी के शरीर में जाए और जख्म ठीक हो सके। ग्रामीणों का पूरा सहयोग है। अनगढ़ा के हैसाडी गांव के जितने भी लोग हैं वो वन विभाग के साथ सहयोग के साथ काम करते हैं और हम लोगों का काफी सपोर्ट भी करते हैं। तो क्या ग्रामीण भी साथ साथ चल रहे हैं जंगल में? अगर अधिकार नहीं, ग्रामीण लोग भी इस पर नज़र बनाए रखे हैं ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो और डेली का खबर हम लोग रखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है। अभी हाथी क्या स्थिति है सर? अभी हाथी पहले से बेहतर है और अभी चार हाथी का और एक झुंड आया है जिसके साथ ये हाथी जो घायल हाथी है वो मिल गया है। तो ये अच्छी बात है कि वो अपने वाइल्ड में आराम से है। देखिए इधर ये हमारे इलाके में जो भी हाथी आते हैं वो या तो बंगाल से आते हैं या फिर हमारे झारखंड के ही बुंडू की तरफ से आते हैं। देखिए अनगढ़ा के हैसाडी गांव में एक हाथी है जिसके बाएं पैर में चोट लगा हुआ है। हम लोगों को जानकारी वहां के ग्राम प्रबंधन समिति के लोगों से पता चला। उसके बाद हम लोगों ने वेटनरी डॉक्टर के साथ उस जगह का मुआयना वगैरह किया, उस हाथी को देखा और हाथी को देखने के बाद उसको एंटीबायोटिक और एंटी एनर्जेसिक वगैरह दवाइयाँ हमने दी हैं और हम लोगों ने दो तीन आदमी वहाँ पर हाथी के साथ लगाया हुआ है जो उसके उस पर नज़र बनाए हुए रखी है।